सो आज जो मैंने वेयर किया है ये मैंने शीन से ली है एंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां पे चेक कर ले. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, माय नेम इज शीन एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करवा चौथ एंड दिवाली हॉल. जितने भी आइटम्स हैं वो मैं इन फेस्टिवल को ध्यान में रखकर ही मंगाई हूँ एंड ये हॉल रेडी किया है. सो गाइज, मैं वीडियो में सामने से मेंशन नहीं करती हूँ कि मैं हमेशा ट्राई ऑन नहीं करती हूँ, मैं एक लुक बुक ही क्रिएट करती हूँ आपके लिए जो आपको ईजी हो कि किस तरीके से आप ज्वेलरी डाल सकते हैं, हील्स डाल सकते हैं. सो आज का हॉल भी कुछ ऐसा ही है. मैं साथ ही साथ आपको एक लुक बुक भी दिखाऊंगी कि आप किस तरीके से रेडी हो सकते हैं इन आउटफिट में एंड उसको कैसे पेयर अप कर सकते हैं. सो गाइज, मेरे चैनल पे जो ब्रांड सीरीज चल रही है वो भी कंटिन्यू रहेगी एंड उसके साथ साथ ये फेस्टिवल की दिवाली की हॉल भी कंटिन्यू रहेगी. सो डोंट वरी, ब्रांड सीरीज कहीं नहीं जा रही है. सो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को एंड कमेंट में मुझे जरूर से बताएं कि आज का हॉल आपको कैसा लगा. Without a further ado, let's quickly jump into the video. My first item is this cream and beige maxi dress, but ये बिल्कुल कुर्ती की तरह लगती है and it has a round neck, short sleeve, flared hem, comes with this attached shrug जिसपे पूरी woven work बनी हुई है, सामने डोरी है and साइड पे ये बहुत ही खूबसूरत गुड़ा पट्टी लेस लगी हुई है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है. कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ बहुत परफेक्ट है, लेंथ बहुत परफेक्ट है, पहनने पे बहुत कंफर्टेबल आपको लगेगी ये एंड अटैच लाइनिंग के साथ है तो बिल्कुल भी सी थ्रू का टेंशन नहीं है. इसकी फ्लेयर बहुत ही स्टैंडर्ड है, ना ज्यादा है ना कम, एकदम परफेक्ट है जिसे आप इजिली कैरी कर सकते हैं. मटेरियल इस पे डिस्क्रिप्शन पे पॉलिस्टर दी हुई है बट ये बिल्कुल भी पॉलिस्टर मटेरियल नहीं है. ये थोड़े से आर्ट सिल्क, जो थोड़ा सा बहुत आर्ट सिल्क एक थोड़ा सा हार्ड मटेरियल जो होता है ना उस टाइप का, बट पहनने में बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबल है एंड मुझे ये कुर्ती काफी पसंद आई. परफेक्ट है फेस्टिवल के लिए, आप करवा चौथ, दिवाली एंड बाद में आप इसे वेडिंग फंक्शन में भी पहन सकते हैं. मैंने इसे पेयर करा है जूड़े के साथ एंड बैंगल्स के साथ. आप भी किसी भी तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, ये पूरी एथनिक लुक देगी एंड आई रेकमेंड दिस वन. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules? My next item is this screen printed high slit maxi tunic. Material polyester and viscose rayon mix hai. This kurti has a round neck and a high front slit, three quarter sleeve, side zip hai. Kyunki iska neckline hai wo bahut hi small hai, aapko pehenne mein bahut problem hogi, to side zip ke sath to aap easily use wear kar sakte hain. मुझे इसका कलर बहुत ही पसंद आया, इसकी जो फ्रंट से स्लिट है वो काफ़ी पसंद आई. मैंने फेस्टिव लुक देने के लिए इसे स्कर्ट के साथ पेयर करा है बट आप किसी भी ट्राउज़र, गोल्डन ट्राउज़र या फिर इंडो वेस्टर्न लुक दे सकते हैं, जीन्स के साथ वेयर कर सकते हैं. बहुत ही खूबसूरत कलर है, बहुत ही लाइट वेट है, आगे से जो कटिंग है वो बहुत ही ऑसम है, गोल्डन प्रिंट्स बनी हुई है एंड काफ़ी अच्छी प्रिंट है इसकी. मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई. साइड पर आप देख सकते हैं बटन्स बनी हुई है एंड इस पर मेरा साइज स्मॉल है. इवन जितने भी आज मैं आपको दिखाऊंगी सब पे मेरा साइज स्मॉल है. फिटिंग बहुत अच्छी है एंड आई हाईली रिकमेंड दिस वन क्योंकि कलर एंड सब कुछ मुझे इस ट्यूनिक की बहुत ज्यादा पसंद है. My next item is this mustard yellow printed A-line kurta. Material is polyester and इसका polyester material बहुत ही super fine है. एक polyester जो बहुत ही अच्छी quality की जो होती है वैसी है. So ये कुर्ती अब बहुत ही common है, बहुत ही पुरानी है but yellow color मेरी favorite है and मुझे ये try करना था. Like मैं बहुत टाइम से सोच रही थी मैं ये कुर्ती लूँ एक हल्दी फंक्शन के लिए एंड फाइनली मैंने इसे ले लिया एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ही सॉफ्ट, एक मुट्ठी भर जो कुर्ती होती है ना आप ऐसे मुट्ठी में बंद करोगे और वे आ जाएगी, इतना सॉफ्ट मटेरियल है. और इस पर फॉइल प्रिंट्स बनी हुई है बट बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फॉइल प्रिंट है. फ्रंट स्लिट है, सामने पे वी नेक है, थ्री क्वार्टर स्लीव है. आप अगेन इसे जीन्स के साथ भी पेयर कर सकते हैं, ट्राउजर के साथ पेयर कर सकते हैं. मैंने इसे सेम स्कर्ट के साथ पेयर करा है जो कि मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रही है एंड मैंने इस पर ग्रीन बिंदी एंड ग्रीन बैंगल्स, ग्रीन मतलब ग्रीन एंड येलो का कॉम्बिनेशन मैंने इस पर दिया है. आप येलो एंड रेड का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगेगी एंड आई रिकमेंड दिस वन ऑल्सो. My next and last item is this peach and
क्रीम फ्लावर प्रिंट लहंगा चोली, मटेरियल इज आर्ट सिल्क एंड ये 4-piece लहंगा चोली है, ब्लाउज पीस है, दुपट्टा है एंड ट्राउजर है इस पे, देन लहंगा है इस पे। मैंने खुद का ये क्रॉप टॉप वेयर करा है क्योंकि मैंने अभी ब्लाउज स्टिच नहीं कराया है। ब्लाउज के कपड़े कुछ इस तरीके से उसकी दिखती है, जिसको आप किसी भी तरीके से स्टाइल सिलवा सकते हैं डिजाइनर। एंड दुपट्टा बिल्कुल सील है, लाइक राउंड शेप में ये दुपट्टा है, सो आप इसे बस ऐसे ही डालकर वेयर कर सकते हैं। एंड लहंगा जो है वो बहुत सी थ्रू है, डैट्स वाई इस पर एक लाइनिंग दी हुई है, बट लाइनिंग जब आप ट्राउजर पहन रहे हो उसके बाद ये अच्छी लग रही है। फ्लेयर नॉर्मल है, काफ़ी अच्छी है, सामने से स्लिट है वो बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है। ये लहंगा चोली मैं बहुत टाइम से देख रही थी मिंत्रा पे, मुझे ये काफ़ी पसंद आई थी, बट उसका प्राइस 3300 समथिंग से कम होता ही नहीं था। एक दिन मुझे अचानक अमेजोन में ये 1500 or 1600 रुपीज़ की दिखी, तो मैंने इसे परचेज बाई कर लिया। सो गाइस, ये मुझे नहीं पता, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कि ये लहंगा चोली कैसी लग रही है, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, माइट भी ब्लाउज सिलाने के बाद मुझे समझ आए। सो आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये लहंगा चोली आपको कैसी लग रही है। बट हाँ, अगर आप न्यूली मैरिड हो और करवा चौथ में पहनना चाहते हो ब्लाउज स्टिच करा के, तो ये काफ़ी बेटर लगेगी। एंड कॉमेंट में मुझे आप ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लग रही है। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे एंड कॉमेंट में मुझे जरूर से बताएं कि आज के हॉल में आपको कौन सी ड्रेस अच्छी लगी। एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।